हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरे बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े नाम्स की हम बात करेंगे, जिनका क्वार्टर टू नतीजे आपको खुश किया या नहीं किया वो आप देखोगे। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला, उसके बाद शेयर में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक काफ़ी इंप्रेस किया इसने, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबका भी देखते हैं, क्वार्टर टू के नतीजे देखते हैं एक वन गो में और कंपेयर करते हैं, देखिए किसने सबसे ज़्यादा आपको खुश किया वो आप बताओगे वीडियो देखने के बाद, इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे लेटेस्ट रिजल्ट, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इंप्रेस किया था इसने फ्राइडे को, जैसे ही रिजल्ट आया था 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ शेयर देखिए 281-282 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन रिजल्ट इतना इंप्रेसिव सा, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसने दिखाया है। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक ये आता है, तो मतलब आने वाले जो रिजल्ट है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, उनको भी वो भी वॉच आउट लिस्ट पर चले गए होंगे लोगों की, कि भाई हाँ कैसा वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जैसे ही इस स्टॉक का रिजल्ट आया था इस स्टॉक ने ऐसे ताबड़तोड़ उछाल दिखाया था, आपको यकीन नहीं होगा एक दिन में 7-8% ये जंप किया था रिजल्ट आते ही। तो ऐसी अगर बाकी सरकारी बैंकों के रिजल्ट आने लग जाए तो उनमें भी ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव रहेंगे और उस एक्टिविटी जो होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो शेयर को काफ़ी ऊपर उछाल के लेके जा सकती है। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर रिजल्ट देखें तो कैसा परफॉर्म किया इस क्वार्टर में आप देखते हैं, सितंबर 2019 यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट है 3375 करोड़ का दिखा, जो कि लास्ट ईयर मात्र 576 करोड़ का था, तो बड़ा जंप यहाँ प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट में परफॉर्मेंस दिखाया SBI ने, उसका असर भी आपने देखने को मिला आपको। अगर मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, और जिस तरीके से SBI पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, HDFC बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स इसके हैं, नो डाउट इसने अच्छा रिटर्न भी आपको दिया है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात की जाए सितंबर 2019 की, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि रेवेन्यू किस तरीके से 30,000 करोड़ के पार चला गया और प्रॉफिट 6,638 करोड़ का गया है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में था 5,322 करोड़ का, अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे आपको डिटेल दिखाऊँ, ये देखिए आप, ये HDFC बैंक का नंबर देखिए किस तरीके से कितना बढ़िया नंबर, 26% का ये जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में स्टैंड अलोन बेसिस पे। उसी तरीके से देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे वो 26% का जंप देखिए क्लियरली, और SBI के स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देख पा रहे हो कि 218% का जंप देखने को मिल रहा है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर मैं SBI की डिटेल दिखाऊं तो देखिए 385% के आसपास का जंप, बढ़िया जंप है ओवरऑल। ये मैं moneycontrol.com पे देख रहा हूं कोई नंबर्स आपको इसमें, और ये डिटेल आप जो देख पा रहे हो ये है आपकी स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे। तो अभी हमने दो रिजल्ट्स देखे यहाँ पे, बड़े ज़बरदस्त ये दोनों परफॉर्मेंस रही है, और स्टॉक ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया इन्वेस्टर ने इनके रिजल्ट्स का। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंकिंग की जब बात आती है तो बहुत टॉप का ये शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। लोग फिलहाल HDFC बैंक को छोड़ के इस बैंक की तरफ मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 1500-1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। PEG रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, PEG रेशियो 38 के आसपास है। पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं फिर बाकी डिटेल्स देखेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट की जैसे मैं बात कर रहा था सितंबर 2019, देखिए 8400 करोड़ का रिवेन्यू है, जहाँ पे 2400 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। अगर यही प्रॉफिट आप चलो 2018 में तो ओवरऑल 1700 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट था, 1748 करोड़ का, और यही रिवेन्यू देखिए 7200 करोड़ का था। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से रिवेन्यू और यहाँ पे प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक के। एक्सिस बैंक की अगर आप डिटेल देखें, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा बैंक है, देखिए 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी है, 708 का प्राइस है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक का शेयर काफ़ी नीचे आया है, काफ़ी गिरावट इसमें भी देखने को मिली है, 10-11% का सेल्स ग्रोथ इसका भी, लेकिन इस बार का कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देखिए आप। इस बार की परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूँ तो रिवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखा है मुझे, लेकिन जो लॉस हुआ है इसको 22 करोड़ का इसने लॉस दिखाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे 22 करोड़ का क्लियरली आप लॉस देख पा रहे हो, लास्ट ईयर यही 878 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे इस बार ये लॉस है। आप क्लियरली इसका चार्ट देख सकते हो कि कुछ टाइम पहले ही इसमें गिरावट आने लग गई थी, जहाँ पे बैंक के सारे शेयर ऊपर जा रहे थे, ये जून जुलाई के बाद ये देखिए लगातार इसमें ड्रॉप था, और स्टॉक ने 650 के आसपास के लेवल पे सपोर्ट लिया, 650-640-630 के आसपास आके सपोर्ट लिया।
अब मूवमेंट जरूर दिखा रहा है, लेकिन इस बार लॉस आ गया। देखिए लॉस का पहले ही रिएक्शन मार्केट में आ चुका था, इसके प्राइस में दिखने लग गया था। ये हमने अभी तक देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपने अगर चार्ट नहीं देखा तो इस चार्ट को भी देख लीजिए, एकदम ही उछाल आया था अभी रिजल्ट के बाद। अब मुझे लगता है कि 372 के प्राइस से ये नीचे आया था शेयर, वापस ये उसी तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। उसी तरीके से आप HDFC बैंक के चार्ट को देखिए कि ऑलरेडी ये टॉप के आसपास ही है, ज़्यादा नीचे नहीं है, टॉप के आसपास ही है। रिजल्ट भी अच्छा आया था नो डाउट, और ये जो 20 सितंबर वाली जो डेट थी उसमें एक बड़ा उछाल इसमें देखने को मिला था। स्टॉक में ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, और एक्सिस बैंक की आपने डिटेल देखी, साथ में ICICI बैंक का भी रिसेंट रिजल्ट आया है। प्रॉफिट में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स इसका काफ़ी अच्छे बताए हैं। यहाँ पे देखिए आप लास्ट ईयर सितंबर में आप देख रहे हो कि 17,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 21,000 करोड़ तक गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर सितंबर में जो 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1130 करोड़ का है, थोड़ा सा ड्रॉप है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मैं कहूँगा। इतना नेगेटिव नहीं है कि एक्सिस बैंक की तरह लॉस दिखाया, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी है मामूली सी। और ऑल दो आप बाकी चीज़ें देखेंगे तो अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। अभी तक हमने बड़े नाम देखे हैं, बंधन बैंक की बात करते हैं तो थोड़ा सा छोटा सा शेयर है, बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है क्योंकि 1 लाख करोड़ के अंदर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। ये स्टॉक ने काफ़ी इंप्रेस किया इस रिजल्ट में, काफ़ी इंप्रेस। मार्केट में नया भी है, 600 का प्राइस भी है, और चार्ट भी आप देखोगे तो अप डाउन ही चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी इंप्रेस करने के बाद मुझे लगता है इसमें बड़ी रैली के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी बड़ी रैली इसमें आ चुकी है, जब ये शेयर 450 के लेवल से 650 के लेवल तक मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब रिजल्ट देखिए आप, सितंबर 2019 प्रॉफिट 972 करोड़। अब आप खुद सोचिए 972 करोड़ का प्रॉफिट ये कमा के दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर मात्र 488 करोड़ का था। तो ज़बरदस्त, ये ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दिया है इसने पिछले साल के क्वार्टर में। अब बाकियों की प्रॉफिट की रेंज में, जैसे ICICI बैंक ने मार्केट कैपिटलेशन में जो बहुत बड़ा शेयर है, लेकिन आप प्रॉफिट देखोगे 1100-1200 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये भी देखिए 1000 करोड़ के आसपास का इसका भी प्रॉफिट बहुत चुका है। मतलब बंधन बैंक एक बड़ा प्लेयर बन सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी आगे जा रहा है। आप देखिए एक्सिस बैंक का आपने प्रॉफिट यहाँ पे लॉस देखा, ICICI बैंक का आप डिटेल देखिए कितना प्रॉफिट था, और बंधन बैंक ऑलरेडी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में गया है। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक भी एक छोटा प्लेयर है, लेकिन इसने भी अपने प्रॉफिट से काफ़ी अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट देखिए आप कितने सीधे सीधे 425 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है, जो कि पिछले साल सितंबर में मात्र 281 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में बड़ा जंप यहाँ पे फेडरल बैंक ने भी दिखाया, इसीलिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग में ये शेयर भी माना जा रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई इसमें भी खरीदारी हो सकती है बड़ी बड़ी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने ऑलरेडी फेडरल बैंक में अपना शेयर अप किया है, अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाया है। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक अगेन 88,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये शेयर भी एक बड़ा शेयर है, एक लार्ज कैप सेक्टर का शेयर है, लेकिन प्रॉफिट की जब बात आती है तो इस साल इसने 1300-1400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। मतलब बड़ा प्रॉफिट इसने इस साल दिखाया, क्योंकि पिछले साल काफ़ी प्रॉफिट हल्का रह गया था, प्रॉफिट मात्र 920 करोड़ का था पिछले साल, और इस बार 1383 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर मैं कहूँगा। और अगर प्राइस की बात आती है तो जितने भी मैंने शेयर्स की बात करी है, काफ़ी सस्ते में अगर आप देखें रुपीज़ के कंपैरिजन में देखें तो 80 रुपये के आसपास जो शेयर आपको मिल रहा है वो फेडरल बैंक है, जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और ये मिड कैप सेगमेंट से भी शेयर आता है, और बाकी शेयर जो है वो लार्ज कैप सेगमेंट से आते हैं। जिस तरीके से भी अगर आपने देखा होगा रिसेंट टाइम पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है वो सरकारी बैंकों की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो मतलब कुछ यहाँ पे देखिए ये बैंक जो है वो काफ़ी कम प्रॉफिट थे, या तो लॉस में थे या प्रॉफिटेबल थे। तो SBI ने ये प्रूव किया है कि हाँ ये प्रॉफिट कमा के दे सकता है, और डेफिनेटली बाकी बैंक्स भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो उधर भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जैसे PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल। और यहाँ पे HDFC बैंक तो एक राजा शेयर, मैं इसको कहता हूँ कि भाई बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में ये राजा शेयर है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा लॉस देखे, एक इसने इस अकेले बैंक ने यहाँ पे लॉस शो किया है, बाकी सबने ICICI बैंक ने थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट इसका भी रहा है। तो आपने यहाँ पे देखे कितने बैंक्स की हमने बात करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, और साथ में बंधन बैंक। बंधन बैंक ने काफ़ी इंप्रेस किया, उसकी भी हमने बात करी। यहाँ पर फेडरल बैंक ने प्रॉफिट ज़बरदस्त दिया इस बार, और साथ के साथ इंडसइंड बैंक। ये बैंकों की हमने बात करी, इन बैंक के शेयर में से आपको कौन सा पसंद है, और किसका क्वार्टर टू का नतीजा आपको अच्छा लगा, आप खुश हुए जिसके क्वार्टर टू के नतीजे से
कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और थोड़ी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी राय स्टॉक्स के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।